प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा द्वारा पिछले 17 सितंबर से चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के नेतृत्व में मंडली चिकित्सालय कबीर चौरा में 21 रोगियों को पोषण पोटली का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षय रोग मुक्त अभियान के तहत देश 2025 तक क्षय रोग से मुक्त हो जाएगा। जनता ने भी माना है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चिकित्सकों की टीम क्षय रोग मुक्त के लिए 24 घंटे कार्य कर रही है। उन्होंने क्षय रोगियों से आह्वान किया कि दवा का क्रम न टूटे। मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ के अनुसार भाजपा महानगर ने 104 टीबी के मरीजों को गोद लिया है। शुक्रवार को प्रत्येक पदाधिकारियों ने गोद लिए हुए दो दो मरीजों से टेलीफोनिक वार्ता कर उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की। शीघ्र ही महानगर के पदाधिकारीगण 6 रोगियों से मिलेंगे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सहसंयोजिका महानगर कोषाध्यक्ष डॉक्टर रचना अग्रवाल ने बताया कि भाजपा पदाधिकारियों ने शुक्रवार को 6 मरीजों से टेलीफोन पर सवाल पूछे कि क्या आप अपनी दवा रोज खा रहे हैं, किसी प्रकार का गैप तो नहीं हो रहा है, दवा आशा से मिल रहा है कि कर्मचारी से, दवा पूरे 6 महीने बिना किसी गैप के खाना है, घर में किसी और को खांसी बुखार वजन कम होना सांस फूलना सीने में दर्द की समस्या तो नहीं है, अगर है तो तुरंत सेंटर पर अपने आशा के साथ भेजकर टेस्ट कराएं, इत्यादि बातों की जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर पीयूष राय, डॉक्टर अमित सिंह, नवीन कपूर, जगदीश त्रिपाठी, विवेक मौर्या, मधुप सिंह, कमलेश सोनकर, ऋतिक मिश्रा आदि मौजूद थे।